फिर एक बार भाइयों और बहनों, भाजपा के इन प्रयासों के बीच आपको कांग्रेस की एक्सरे मशीन के सावधान रहना है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के साहजादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे, आपके लॉकर में क्या पड़ा है, आपके बैंक में क्या खाते में पड़ा है, आपके घर में कितना सोना पड़ा है, कितने पैसे पड़े हैं, ये सारा उसका हिसाब किताब लगाएंगे और फिर कहते हैं वो हम बांट देंगे, ज्यादा जो है ले लेकर के बांट देंगे। इतना ही नहीं, वो एक ऐसे टैक्स की बात कर रहे हैं, आज आप हर माँ बाप मेहनत करके कुछ न कुछ बचत करता है, अपनी जरूरत को कम करके बचत करता है, क्योंकि उसके मन में रहता है कि मरने के बाद बच्चों को कुछ देकर के जाऊं, अपने संतानों को कुछ देकर के जाऊं, और इसलिए वो कुछ न कुछ बचत करता है। अब ये कहते हैं जो बचत करते हैं आप, उस पर सिर्फ आपके संतानों का हक नहीं होगा, उस पर सरकार का भी हक होगा, और जो भी आपने बचाया है बच्चों के लिए, वो बच्चों को जाने से पहले आधा से ज्यादा सरकार ले लेगी। अगर आपके पास 10 एकड़ की जमीन है, अब आपको 10 एकड़ की जमीन बच्चों को नहीं दे पाएंगे, 5 एकड़ सरकार ले लेगी। आपने गांव में घर है, शहर में घर बनाया है, तो घर गया समझ लीजिए। अब मुझे बताइए, आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या जो आपकी मेहनत का पैसा लूट ले? ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपकी संपत्ति छीनने का उनका इरादा, ये खतरनाक इरादा है, ये मार्क्सवादियों का विचार है, ये नक्सलवादियों का विचार है, और इसलिए ऐसे लोगों से एक भी आदमी जीत करके दिल्ली नहीं जाना चाहिए। इन सब से आपको कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है, और उनके सारे साथी भी ऐसे ही है। साथियों, आज अयोध्या में 500 साल के बाद भव्य राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने से हर कोई खुश है। आप खुश है कि नहीं है? अब मुझे बताइए भाई, कि अंग्रेजों के जाने के बाद, देश आजाद होने के बाद, पहले ही दिन राम मंदिर का काम शुरू होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? इतने साल क्यों लटका रहा? क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति थी, उनके वोट बैंक की चिंता थी, आपकी आस्था की चिंता नहीं थी, आपकी भावना की चिंता नहीं थी, आपकी श्रद्धा की चिंता नहीं थी। कांग्रेस के पास मौका था, लेकिन कांग्रेस ने इस पवित्र काम में सिर्फ रुकावटें पैदा की। जिसकी राम में आस्था होगी वह ऐसे काम कभी नहीं कर सकता। कांग्रेस की राम में ना आस्था है, और ही उसके पास ऐसा एहसास है, और उनके सारे चेले चपाटे भी यही है। ऐसा काम कोई डरी हुई पार्टी नहीं कर सकती, तुष्टिकरण के दबाव से गिरी हुई पार्टी नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए जो साहस चाहिए होता है, वो साहस मोदी ने दिखाया है, और डंका की चोट पर 500 साल का इंतजार खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया। और ये कहते थे राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, कोई आग लगी क्या? मंदिर बना कि नहीं बना? और भाइयों बहनों, 500 साल के बाद जो सपना पूरा हुआ है ना, उसका कारण आपका एक वोट है, आपके वोट की ताकत है, जिसने 500 साल के इंतजार को खत्म किया है। इस पुण्य के हकदार आप हैं, जिनके वोट की वजह से पवित्र काम पूरा हुआ। भाइयों और बहनों, आपका वोट मजबूत भारत के लिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए पड़ना चाहिए। अब मुझे बताइए,
जिनके पास कभी 400 एमपी हुआ करते थे, वो पार्टी आज 250 पौने 300 लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पा रही है। अगर सरकार बनानी हो तो 272 तो सीट चाहिए भाई, वो इतनी लड़ाई नहीं रहे तो सरकार बनेगी कैसे, जीतेंगे कैसे। और इसलिए जो सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं तो उनके लिए आपका वोट बर्बाद करने की जरूरत क्या है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप वोट दे करके सरकार को मजबूत बनाइए। और आप जब वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। सात मई को गर्मी कितनी ही क्यों न हो, पहले मतदान फिर जलपान। मतदान किए बिना जलपान नहीं करेंगे, ये हमें संकल्प करना है। 7 मई को मेरे साथी रंजीत नायक निंबाळकर जी को आप जो वोट डालेंगे वो मोदी की शक्ति बढ़ाएगा। माढ़ा के लोगों से मेरा एक आग्रह और है, आप इनको तो जिताइए लेकिन मेरा एक और काम करिए। यहां से जाने के बाद गांव में, मोहल्ले में, परिवार में सबको बताना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है, प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, सभी को मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मतदान फिर जलपान असं आवाहन या ठिकाणी मोदींनी केलेलं आहे। 7 तारखेला कितीही उकाडा असला तरी मतदानाचा आपला हक्क बजावा असं आवाहन त्यांच्याकडून करण्यात आलेलं आहे। पहिल्या 2 टप्प्यामध्ये मतदानाचा टक्का हा फार कमी पाहायला मिळालेला आहे, त्यामुळे मतदान वाढणं हे फार गरजेचं आहे। त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी घराबाहेर पडून, मतदारांनी बाहेर पडून आपला मतदानाचा मूलभूत अधिकार बजावावा असं आवाहन मोदींकडून करण्यात आलेलं आहे। आणि यासोबतच त्यांनी शरद पवार यांचं नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा देखील साधलेला आहे। 200 ते 250 जागा लढण्यासाठी काँग्रेसकडे उमेदवार नाहीत अशा शब्दात त्यांनी काँग्रेसवर सुद्धा निशाणा साधलेला आहे।